गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम टू बी बी एन ई लर्निंग क्लासेज टूडे वी आर गोइंग टू रीड लेसन थर्ड ईश्वरन द स्टोरी टेलर ईश्वरन द स्टोरी टेलर तो स्टूडेंट इस लेसन को हम पहले पढ़ चुके हैं तो आज मैं आपको इस लेसन की समरी बताऊंगा तो स्टार्ट करते हैं यह कहानी महेंद्र नाम के एक युवक द्वारा गणेश को सुनाई गई थी वह एक फर्म में जो कि विभिन्न तरह के निर्माण स्थल जैसे कि कारखाना पुल बांध आदि के लिए किराए पर निरीक्षक उपलब्ध कराती थी वह कनिष्क निरीक्षक था महेंद्र का काम था निर्माण स्थल पर हो रहे काम पर नजर रखना उसे अपने मुख्य कार्यालय के आदेश के अनुसार यदा कदा जहाँ दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था चाहे कोले की खाने हो, चाहे रेलवे पुल का निर्माण कार्य हो हर जगह उसे वहीं पर जाना पड़ता था जहाँ पर जो काम होता था उसका काम निर्माण की जगह में चल रहे कार्य पर नज़र रखना था वह कुवारा था उसकी ज़रूरतें बिल्कुल साधारण थीं वह सभी प्रकार की परिस्थितियों में समझौता कर लेता था उसका रसोईया ईश्वरन उसके लिए सबसे अधिक मूल्यवान था ईश्वरन को भी महेंद्र से काफ़ी लगाव था जहां भी महेंद्र की बदली होती थी तो उसका जो रसोइया था वह वहां उसके साथ जाता था वह महेंद्र के लिए खाना पकाता था उसके कपड़े धोता था रात को उसके साथ गप्पे लगाता था वह अपने मालिक को बहुत सारी कहानियां सुनाया करता था ईश्वर खाना पकाने में बहुत ज़्यादा कुशल था वह खाली समय में उसे तमिल की कुछ प्रसिद्ध रोमांच भरी किताबें पढ़ने का शौक़ था वे कहानियां जिनका वह वर्णन करता था इन तमिल की रोमांच भरी किताबों से बहुत प्रभावित होती थी वह छोटी से छोटी घटना में भी बहुत कौतूहल पैदा करके उन्हें सुनाता था प्रतिदिन ईश्वरन किसी साहसिक कार्य दहशत और रोमांच से भरी कहानी महेंद्र को सुनाया करता था महेंद्र को उसकी कहानी सुनकर बहुत आनंद मिलता था एक दिन ईश्वरन ने स्वादिष्ट रात्रि भोजन बनाया क्योंकि वह पूर्वजों की आत्माओं को खिलाने का दिन था रात्रि के भोजन के बाद ईशरण ने अपनी गप्पे शुरू कर दी उसने महेंद्र को बताया कि वह पूरा कारखाने का क्षेत्र जहां वे रह रहे हैं वह समय एक समय कभी कब्रिस्तान था उसने कहा कि उसे अक्सर सड़क पर पड़ी हुई कई खोपड़ियां हड्डियां मिलती हैं उसने कहना जारी रखा कि वह कभी कभी रात को भूतों को भी देखता है पूर्णिमा की रात को अक्सर वह एक औरत को देखता है जो आधी रात के समय प्रकट होती है उसके उलझे हुए बाल हैं झुर्रीदार चेहरा है और वह क्रूप दिखाई देती है और उसने अपने हाथ में एक भ्रूण उठाए हुए है वह एक भ्रूण पकड़े हुए रहती है इस वर्णन से महेंद्र के अंदर एक कपकपी पैदा हो जाती है किंतु उसने यह कहते हुए स्वयं को साहसी दिखाने का प्रयत्न किया कि केवल ईश्वर की है तो केवल कल्पना है ऐसा कुछ नहीं है यह तो आप केवल कल्पना कर रहे हो उस दिन से महेंद्र दिल से, दिल में एक भय लेकर सोने लगा उसे डर लगा उस दिन से पूर्णिमा की रातों को उसी धरती का प्राकृतिक दृश्य देखना अच्छा लगता था किंतु ईश्वर की कहानी सुनने के बाद पूर्णिमा की रातों वह खिड़की से बाहर देखने टालने लगा उसके बाद वह खिड़की से बाहर नहीं देखता था एक रात खिड़की के समीप धीमे स्वर से विलाप करने की आवाज सुनकर महेंद्र की नींद खुल गई एक बार ऐसा हुआ एक धीमी धीमी आवाज आ रही थी खिड़की के पास से जब विलाप की आवाज तेज हो गई तो महेंद्र ने खिड़की से बाहर देखा उसने काले रंग की धुंधली आकृति को एक गठरी पकड़े हुए देखा से महेंद्र के पसीने छूटने लगे और वह हांपता हुआ वापस तकिए पर आ गिरा अगली सुबह वह पिछली रात की दहशत को अपनी कल्पना समझकर भूल चुका था किंतु ईश्वर ने उसे उसकी याद दिला दी उसने कहा कि रात को महेंद्र के कमरे में आते हुए विलाप की आवाज सुनकर वह दौड़ता हुआ महेंद्र के कमरे में गया रसू तो ने कहा कि जब जो आपके कमरे से विलाप की आवाज आ रही थी ना तो मह वह आवाज सुनकर आपके कमरे में दौड़ता हुआ गया महेंद्र भय से ठंडा पड़ गया वह अपने दफ्तर से भागा उसने अपने कागज सौंपे और दूसरे ही दिन उसने उस भूत वाले स्थान को छोड़ देने का दृढ़ निश्चय कर लिया तो स्टूडेंट्स ये इसकी समरी है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे